ई7 की देवता फील्ड भी करते हैं। ई7 की जो देवता फील्ड है वो है ब्रिशा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की सेकंड देवता फील्ड, इट इज कॉल्ड ब्रिशा। ब्रिशा ब्रिशा की जो देवता फील्ड है ये, इसको भी गुडविल क्रिएटर की संज्ञा दी गई है। ब्रिशा की देवता फील्ड भी गुडविल, एक ऊर्जा को प्रदान करने वाली देवता फील्ड मानी जाती है। ये देवता फील्ड एक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो कि किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज को क्रिएट करना है, किस जो देवता फील्ड यानी कि गुडविल क्रिएटर, बेसिकली ऐसी देवता फील्ड को, ब्रिशा की देवता फील्ड को भी इसको रिलेट किया गया। संग्राम समागम सुधार में समुद्र मंथन की जो चर्निंग की एक्टिविटीज को है उसको सीधा सीधा ब्रिशा की देवता फील्ड से रिलेट किया गया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट जो कि हिंदू मैथोलॉजी में दिखाई जाती है, और इसका जो एट्रीब्यूट है इस देवता फील्ड से सीधा सीधा कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। समुद्र मंथन में देवताज वर डिफीटेड बाई दानव, ऐसा माना गया। देवता जब डिफीटेड बाई दानव, दानव जब उसका जो कलश था उसको ले रहे थे, तो वहां पे उन्होंने भगवान विष्णु ने अपना जो आकार बदला और उन्होंने जो वहां से इसको क्या बोलते हैं को वहां से जो निकले फॉरगेटिंग नेम, क्या नाम इनका, धनवंतरी जी, तो धनवंतरी जी ने उनसे कलश को छीन लिया, वो वहां से वो निकल गए। तो जो पूरी कहानी के जो समागम सुधार की कहता है कि वो समुद्र मंथन की जो पूरी स्टोरी है, अगर उसको वहां पे लगाते हैं तो ब्रिशा की देवता फील्ड को बैलेंस करने में, टेक्टफुली बैलेंस करने में हेल्प होती है वो देवता फील्ड को। ब्रिशा की देवता फील्ड जो देवता और दानवों का एक ज्वाइंट एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी को दर्शाता है, इसलिए वो चर्निंग की एक्टिविटी मानी जाती है, चर्निंग की देवता फील्ड मानी जाती है ब्रिशा की देवता फील्ड। ब्रिशा की देवता फील्ड एक प्रकार से ऐसी देवता फील्ड है जहां से अमृत और जहर जो कि भगवान शंकर ने पिया दोनों को दर्शाता है। तो ब्रिशा की देवता फील्ड से अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है जिसको भगवान शंकर ने पिया, और भगवान शंकर का जो स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में माना गया है, इसलिए अगर ब्रिशा की देवता फील्ड के ऊपर ऐसा माना गया कि चर्निंग की एक्टिविटी दर्शाई जाए तो भगवान शंकर की भी वहां पे, क्योंकि जब चर्निंग की एक्टिविटी से जो वहां पे जो विष निकला, उस विष को तो विषपान तो भगवान शंकर ने किया, तो उस विषपान के लिए भगवान शंकर की स्थापना करना नॉर्थ ईस्ट में अनिवार्य बन जाता है, नहीं तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करता और देवता फील्ड का नुकसान पैदा होता है। ब्रिशा की देवता फील्ड को इज ए बीइंग द चर्निंग एक्टिविटी, इट्स ए गुड एक्टिविटी फॉर एनालिसिस, फॉर एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशन। एक ग्रहण मंथन, एक डिबेट, एक कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक जो कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर बैठी हुई डिस्कशन, एक एनालिसिस, एक प्रकार का सॉल्यूशन को फाइंडिंग करना, वो सारी की सारी चीजों को ब्रिशा की देवता फील्ड दर्शाती है। ब्रिशा की देवता फील्ड अगर राइट बैलेंस होगी तो किसी तक जाने में दिक्कत नहीं होगी, अगर ब्रिशा की देवता फील्ड राइट बैलेंस नहीं होगी तो इंसान किसी भी कंक्लूजन पे जल्दी जल्दी जंप करेगा, यानी कि सोचे समझे बिना एक्टिविटी करेगा या बहुत ज्यादा सोच समझ के एक्टिविटी करेगा, तब तक वो एक्टिविटी भूल खत्म हो जाएगी। विच मीन्स इफ द ब्रिशा देवता फील्ड इज नॉट बैलेंस्ड, देन द पर्सन इन टू डेट हाउस इधर विल जम्प टू द कंक्लूजन वेरी फास्ट थिंकिंग, जिसका परिणाम अच्छा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और द पर्सन विल डू लॉट ऑफ थिंकिंग एंड बाय द टाइम ही डू एक्शन वो समय पार हो चुका होगा, वो उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी होगी। तो ब्रिशा की देवता फील्ड इम्बैलेंस होने पे इंसान को या तो ओवर थिंकिंग बना देगी या शॉर्ट थिंकिंग बना देगी, जिसके वजह से दोनों केस में जो उसकी एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। ब्रिशा की जो देवता फील्ड है वो एक एनालाइजिंग की एबिलिटी क्रिएट करती है इंसान के अंदर, एक डिसिसिव स्किल्स क्रिएट करती है, एक चिंतामणि की तरह होती है, चिंतन क्रिएट करती है, एक डिबेट क्रिएट करती है, एक इंसान में एक ऐसा सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाती है कि भाई इंसान आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे से बात करके
एक सॉल्यूशंस को निकाल सके। भिक्षा की जो देवता फील्ड है वो कर्म की देवता फील्ड है, सॉरी भिक्षा की जो देवता फील्ड है वो काम की देवता फील्ड से भी रिलेट करती है। काम विच इज द गॉड ऑफ द लस्ट, कामदेव या विच इज द गॉड ऑफ द लव इज ऑल्सो बीन कंसिडर। अगर इसी तरीके से भिक्षा की देवता फील्ड में अगर गैप आ जाता है, अगर दिक्कत आ जाती है, तो उस घर में ज्यादातर जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके अंदर इस चीज की कमी पाई जाती है एंड देयर पर्सनैलिटी लुक्स वेरी डल। यही भिक्षा की देवता फील्ड, अगर स्ट्रांग देवता फील्ड होती है, अच्छी देवता फील्ड होती है, तो वहां के लोगों की जो मेल मेंबर होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इट्स ए स्ट्रांग पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी को रिलेट करती है। भिक्षा की देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड रिलेट होती है जो कि सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार एक प्रकार से एक उत्पाद, मतलब किसी चीज का, मैंने बताया था गुडविल क्रिएटर, तो उत्पादन का काम भी करती है, इसे कॉस्मिक एग, क्योंकि वृषा की देवता फील्ड इज बीन आल्सो बीन कंसीडर एज दी वृषा वाज मैरिड टू दी रति, काम इस कामदेव को रति की से शादी हुई, ऐसा दोनों माना गया। तो वृषा की देवता फील्ड कामदेव, तो कामदेव की शादी रति से हुई, रति बीन कंसीडर एज दी दक्ष प्रजापति की पुत्री, तो उनकी जो कनेक्टिविटी बनी, उनकी कनेक्टिविटी को एक कॉस्मिक एक्ट की तरह माना गया, एक ब्रह्मांड की तरह माना गया, और उस वो एक गुडविल क्रिएटर की तरह काम करता है, सिंबॉलिक मैटर में, एक मेंटल एक्टिविटी में, इमोशनल एक्टिविटी में, एक नॉलेज के अंदर, एक अटेनमेंट के अंदर, एक ऐसा गुडविल क्रिएटर की तरह वो काम करता है या क्रिएशन की तरह काम करता है। ठीक, दिस इज बीन कंसिडर एज द भिक्षा की देवता फील्ड। भिक्षा की जो देवता फील्ड है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाती है, अगर ये ऐसी देवता फील्ड इम्बैलेंस हो जाती है, तो इस देवता फील्ड के ऊपर इंसान को स्ट्रगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, इंसान बहुत ज्यादा कर्जा लेना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा पैसा लेता है, जिसकी वजह से वो पैसा को चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे घर में समस्याएं पैदा होती है, मतलब इट्स लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वो उसका रीजन एक ब्लू कलर, अगर इस देवता फील्ड में ब्लू कलर आ जाता है या ब्लू कलर की चीज आ जाती है, तो ऐसे में समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है इस देवता फील्ड से। इस देवता फील्ड पे किसी भी प्रकार से या तो एयर एलिमेंट आना चाहिए या फायर एलिमेंट आना चाहिए या ऑरेंज कलर इस देवता फील्ड का इज राइट एलिमेंट, उसी को यहाँ पे यूज करना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्लू कलर या वाटर कलर या शीशा इस तरह की चीज आएंगी, तो एक एक फ्रिक्शन पैदा होगी, एक टर्बुलेंस पैदा होगी, एक एक प्रकार से वहां पे समस्या पैदा करेगा, जिसका नुकसान फाइनेंशियल होगा, जिसका नुकसान इंसान को चैलेंजेस के रूप के पड़ सकता है। विषय की देवता फील्ड के जो इसके एट्रीब्यूट्स, समरी ऑफ एट्रीब्यूट इसके जो देखे जा सकते हैं, वो ऐसे देखे जा सकते हैं कि विषय की देवता फील्ड इट्स बीन कंसिडर एज दी, जो जैसे समुद्र मंथन में जब दो चीज की रगड़ाई हुई तो पावर क्रिएट हुई, तो एक ऊर्जा क्रिएट हुई, तो भिक्षा की देवता फील्ड एक ऐसी देवता फील्ड है, जब कोई दो चीज रगड़ती है एक दूसरे के साथ, उस दो चीज की रगड़ने से जो पावर क्रिएट होती है, जो स्पार्क क्रिएट होता है, वो भिक्षा की देवता फील्ड है। यानी कि दो चीज की रगड़ने से, यानी कि दो दिमाग के लड़ने से, दो दिमाग के मंथन से, दो दिमाग के या कुछ लोगों के मंथन से जो रबिंग हुई, उससे जो क्रिएशन हुआ, वो एक पावर क्रिएशन होता है। अगर ये बैलेंस होती है तो बहुत अच्छा पावर क्रिएट करती है। लोगों का जो मंथन होता है, जो विचार होते हैं, जो एनालिसिस होते हैं, जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, वो एक बहुत फ्रूटफुल तरीके से क्रिएट होती हैं। अगर ये मंथन सही नहीं होता तो उसका बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे रखी हुई ग्राइंडिंग मशीन जो है बैलेंसर का काम करती है। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, जो लोग एनालिटिकल एक्टिविटी में डील करते हैं, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एक्टिविटी में डील करते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा एनालिटिकल काम करते हैं, उन लोगों को इस फील्ड पे बैठ के काम करने से लाभ होता है, क्योंकि ये फील्ड उन सब चीजों का गुडविल क्रिएटर, उन सब चीजों का क्रिएटर है, पावर क्रिएटर है। जिस घर के अंदर ये देवता फील्ड डिस्टर्ब होती है, उस घर के अंदर काम देवता की जो एक्टिविटीज होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, उसका नुकसान होता है, वहां पे अनफेवरेबल रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे रखी हुई स्विंग मशीन ब्लड प्रेशर का
को फ्लक्चुएट करती है, एंजाइटी लेवल को फ्लक्चुएट करती है, उसको दिक्कत देती है यहाँ वहां पे और लोगों को नुकसान देती है। यहाँ पे अगर बुजुर्ग लोग सोते हैं तो बुजुर्ग लोगों में एंजाइटी पैदा होती है, यहाँ पे सोने वाले लोगों में एक बेकार की एंजाइटी पैदा होती है जबरदस्ती की, जिस एंजाइटी के कारण उनके अंदर ब्लड प्रेशर की समस्या भी पैदा हो सकती है या फिर फालतू में दिमाग चलता रहता है या फालतू में थिंकिंग ओवर थिंकिंग चलता रहता है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान रहते हैं और उनको डिसीजन मेकिंग पावर में भी दिक्कत आती है। और यहाँ पे अगर किसी बॉस की सीट बना दी है तो वो व्यक्ति जबरदस्ती का अपने अपने मतलब अपनी बुद्धि से फाइट करने की बात होती है, अपने दिमाग से फाइट करता है व्यक्ति और जबरदस्ती के डिसिप्लिन, जबरदस्ती के नए नए रूल, नई नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश करता है, नई नई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम होती है और वहां पे एक प्रॉब्लम की समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे इस डेटा फील्ड के ऊपर अगर कोई फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाए, कोई ग्राइंडिंग सिस्टम का निरीक्षण किया जाए, अगर वहां का ग्राइंडिंग सिस्टम सही नहीं चल रहा, वहां पे कोई जो चर्निंग की चीजें हैं वहां पे सही नहीं चल रही, वहां पे प्रोडक्शन जो चर्निंग प्रोडक्शन है, जो एक रेगुलर प्रोडक्शन है, सर्कल है प्रोडक्शन का, सर्कल ऑफ प्रोडक्शन वहां का सही नहीं चल रहा, तो भिषा की देवता फील्ड गड़बड़ाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भिषा की देवता फील्ड इज ए सर्कल ऑफ प्रोडक्शन, सर्कल ऑफ चर्निंग, किसी भी चीज का चलते रहना, लगातार चलते रहना, किसी भी चीज का घूमते रहना, उसका नियमित बैलेंस तरीके से, वो भिषा की देवता फील्ड है। अगर किसी फैक्ट्री में, किसी जगह में वो चीजों का प्रोसेस यानी कि काम का तरीका नहीं चल रहा, अटक के अटक के चल रहा है, उसमें फ्लो नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो वहां की भिषा देवता फील्ड डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो सब चीजें उसमें बाधाएं क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसका फ्लो को रोक रही है, उसकी चर्निंग फ्लो को रोक रही है, वो बाधा क्रिएट कर रही है, तो ऐसे में वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। भिषा की देवता फील्ड के ऊपर अगर अगेन एज आई सेड अर्लियर, ब्लू कलर ग्लास ये सब चीजें नुकसानदायक है, ये सब चीजें दिक्कत देती है। अगर भिषा की देवता फील्ड कट गई है तो ऐसे में शॉर्ट है, कट गई है, रिड्यूस्ड है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो वीक हो जाएगी, और भिषा की देवता फील्ड एक्सटेंडेड है, बढ़ गई है, तो वहां पे चर्निंग एक्टिविटी बढ़ने की वजह से डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो डिले हो जाएंगी, जिससे कि दोनों केस में लाभ है, राइट डिसीजंस, राइट चीजें नहीं हो पाएंगी, लोग ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा बात करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, बतियाएंगे बहुत, बातों की खाने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे लेकिन कुछ उससे लाभ नहीं होगा। भिषा की देवता फील्ड का अगला जो नाम है वो उसको भिषा की देवता फील्ड का जो अगला नाम है उसको काम भी बोला जाता है, कामदेव भी बोला जाता है। और भिषा की देवता फील्ड का जो प्लैनेट है वो बुध है, मरकरी है। भिषा की देवता फील्ड का एट्रीब्यूट ग्रेविटी है और ये रिसर्चर ग्राइंडर का काम करती है। यहाँ पे रिसर्चर को बिठाया जा सकता है, जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग PhD करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ बैठे, रिसर्च करना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ बैठे, जो ग्रैंड विद्या करना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ बैठे, जो ग्रैंड विद्या रिसर्च के माध्यम से करना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ बैठे, उनको फायदा होगा। यहाँ की जो ग्रॉसरी है वो एक जो जिसको कुड़ी आती थी ना पहले, जो मामदस्ती की तरह ऐसे ऐसे चलाते थे हम, कुड़ी बोलते थे ना उसको, सिलबट्टा या कुड़ी बोलते थे, सिलबट्टा भी बोलते थे, ऐसे ऐसे चलाते थे, है ना, ऐसे ऐसे चलाते थे, ऐसे ऐसे चलाते थे, जो वो लोटा सा होता था उसके अंदर घुमाते थे, कुड़ी या सिलबट्टा, ऐसी चीजों को यहाँ की ग्रॉसरी की देवता फील है, क्योंकि इसे मंथन, ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे चलाना, इसे मंथन, इसे लगातार मंथन, तो मंथन में वो जो सिलबट्टा या कुड़ी की जो कुड़ी आती थी, कुड़ी इज ए काइंड ऑफ वो छोटा सा किश्ती की जैसा बना होता था या गोलशे में बना होता था, उसके अंदर ऐसे ऐसे कूदते रहते थे, तो वो कुड़ी बोलते हैं। और इसके अंदर भी वो सारी चीजें लागू होती हैं जो कि हमने सत्य में लागू देखी थी, सत्य वाली सारे इफेंट बर्ड्स यहाँ पे लागू होते हैं। बस इसके एंट्रेंस का प्रभाव बताता हूँ, यहाँ पे बैठने वाले लोग इनसेंसिटिव बिहेवियर के हो जाते हैं, दूसरों के प्रति अपना जो बिहेवियर पैटर्न है वो इनसेंसिटिव होता है, ऐसे लोग यहाँ पे इनसेंसिटिव बिहेवियर के हो जाते हैं, राइट। ये थी भिषा की देवता फील्ड।